उपमंडल सलूनी में भारी बर्फबारी व बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं तो कहीं घरों में पानी घुसने से मकानों को खतरा हो गया। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत सनूह के अंतर्गत गांव जुआंस में सामने आया है, जहां महबूब सपुत्र करमदीन के मकान को भी खतरा पैदा हो गया है। यहां बर्फबारी से मकान की 3-3 कड़ियां टूट गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कमरे में कोई नहीं था, दीवारों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को हर समय खतरे की जद में रहना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार यहां इसी मकान में अपने मवेशियों के साथ रहता है। इस बार हुई बर्फबारी से इनके मकान को खतरा हो गया, जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। पीड़ित परिवार ने शासन व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पंचायत प्रधान भोटी देवी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि पिछली ग्राम सभा में उक्त परिवार का मकान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत डाला है, जल्द ही इनको मकान मुहैया करवा दिया जाएगा। मैं महबूब स्थायी निवासी जुआंस का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में भारी बर्फ होने के कारण मेरा मकान टोटल क्रैक हो चुका है, जिससे मैं काफ़ी परेशान हूं। मेरे 4 कमरे, 1 हॉल, साथ में गौशाला, पूर्ण रूप से छत और कमरों की दीवारें क्रैक हो चुकी है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस मेरे टूटे हुए मकान के लिए कुछ प्रशासन हेल्प करें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सलूनी से रेखा कुमारी की रिपोर्ट।